कि अपने फैम पे एप्लीकेशन को अपग्रेड किए होंगे। अपग्रेड करने के बाद आप सभी को कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल जा रहा होगा। आप लोग यहाँ पर अपने फैम पे एप्लीकेशन में पैसे रिसीव नहीं कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम का समाधान लेकर आऊँ, आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग को इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पर वो अपने फैम पे एप्लीकेशन में पैसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके का पॉपअप उनको देखने को मिल जा रहा है, यू वी एक्सीडेड योर क्रेडिट लिमिट। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी देने वाला हूँ और दोस्तों लाइव प्रूफ आप सभी के सामने करके दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। जैसे आप सभी दोस्तों प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप सभी को सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग को यहाँ पर फैम पे लिखकर सर्च कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर फैम पे लिखकर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फैम पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर फैम पे एप्लीकेशन आपसे अपडेट मांग रहा है तो आपको यहाँ पर अपने फैम पे एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों आप लोग को ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। अगर ठीक ना हो तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपने फैम पे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। फिर से दोस्तों आप अपने फैम पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ इंस्टॉल होने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर फैम पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आप सभी को अपने फैम पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग अपने फैम पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप सभी से नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाएगा। तो आप सभी को नोटिफिकेशन के परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करने के बाद कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग इंटर फैम ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग को वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जिसमें दोस्तों आप सभी को यह प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर इसमें इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद आप सभी को यहाँ पर एक तीर का आइकन बना होगा, तो आप सभी को उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई भी SMS का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप सभी को ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सभी से अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा। यहाँ पर मैनेज यहाँ पर फोन कॉल्स, तो आप सभी को अलाउ कर देना है। उसके बाद SMS का परमिशन मांगा जाएगा, आप सभी को इसमें भी अलाउ कर देना है। देन आप लोग दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वेट करना है वेरीफाई होने का। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको यहाँ पर वेरीफाई होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका होम स्क्रीन पर आ जाता है यहाँ पर फैम पे एप्लीकेशन। देन आप लोग को देख सकते होंगे कि आपको यहाँ पर एक लिमिट सेट किया जाता है यहाँ पर फैम पे एप्लीकेशन में, कि आपको यहाँ पर ये महीने में आप लोग इतना बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कह रहे हैं यहाँ पर 10,000। तो ऐसा हो सकता है कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा फैम पे एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन कर दिए होंगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम दोस्तों आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो बात करें दोस्तों आप लोग इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ठीक करने का एक ही तरीका है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक फैम पे एक्स कार्ड फ्री का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आप लोग को यहाँ पर फैम पे एप्लीकेशन में। जैसे दोस्तों आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग को दो प्लान उसमें देखने को मिल रहा होगा, एक प्लस का एक अल्ट्रा का। दोस्तों आप लोग दोनों में से कोई एक प्लान बाई करेंगे, बाई करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो मंथली ट्रांजेक्शन है वो दोस्तों लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर 1,00,000 का 2,00,000 का लिमिट आप लोग को आसानी से मिल जाएगा मंथली ट्रांजेक्शन का। आप लोग जैसे यहाँ पर वो बाई प्लान करते हैं, उसके बाद आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आप लोग दोस्तों यहाँ आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग का यहाँ पर मंथली जो ट्रांजेक्शन होता है वो दोस्तों आप लोग का लिमिट खत्म हो जाता है, इसलिए आप लोग को दोस्तों ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्लान बाई करना होगा। जैसे आप लोग प्लान बाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोग का यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसमें दोस्तों आप लोग को दो प्लान देखने को मिलेगा, एक प्लस का एक अल्ट्रा का। वो दोनों में से दोस्तों आप लोग एक भी प्लान बाई करते हैं, उसके बाद आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप लोग का दोस्तों 1 से 2 लाख का लिमिट हो जाएगा ट्रांजेक्शन करने का। और आप लोग आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं या किसी को भेज भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।